नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कोरोना के नए BF.7 वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड शासन और प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है और इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन डोज का स्टॉक खत्म होने से बूस्टर डोज अभियान पर ब्रेक लग गया है। स्वास्थ्य विभाग भी शत प्रतिशत लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि राज्य में 25% लोगों ने ही अब तक बूस्टर डोज लगवाई है, जबकि 65 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तीसरी खुराक नहीं ली है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन कोवैक्सीन तो उपलब्ध है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन की कमी है, जिसके कारण बूस्टर डोज अभियान पर ब्रेक लगा दिया गया है। अभियान को दोबारा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार से 3 लाख वैक्सीन की मांग की गई है। साथ ही सरकार और शासन स्तर पर केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।